आइंदा इसके आगे जो नया अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं, यूसी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर नहीं रहेगा, P++ रहेगा। ये सारे जो भी पैटर्न्स लेकर आ रहे हैं, ऑफकोर्स आपको लगता है ये एजुकेशन के प्रो है, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है। जो पैसे खर्च कर सकते हैं उन लोगों के लिए ये आसान हो सकता है, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास बच्चे हैं, उन लोगों को ये पढ़ना बहुत मुश्किल है। इट इज़ अ प्योरली अनसाइंटिफिक अनडेमोक्रेटिक एजुकेशन पॉलिसीज आप लोग ले। एग्रीकल्चर फील्ड के जो यूनिवर्सिटीज है, ये यूनिवर्सिटी के जरिए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्जाम लिखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये ऑनलाइन लिखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यू नो, उनके विलेजेस में रहने वाले हैं, उनके पास कोई एक वीडियो कैमरा नहीं रहता, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं रहता, और क्या बोलते हैं, और एक साइलेंट बोल के अच्छा इंटरनेट फैसिलिटीज़ वाला एक रूम भी नहीं रहता। ऐसे मौके पर आप कैसे एक इंटरनेट ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हो? वी रिजेक्ट एनी पी 2020, वी रिजेक्ट बेको विश्वविद्यालय ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ. साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, पिछले वन वीक से पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट में पास करे। अभी जो हम लोग जो देख रहे हैं, जो बच्चे अभी भी काम कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, बस स्टैंड में काम कर रहे हैं, होटल जो भी है उसमें साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं, स्कूल जाते जाते ये सब काम कर रहे हैं, मोर देन 3 लाख ऑफ चिल्ड्रंस ये सब काम करके एजुकेशन्स ले रहे हैं। और यूनिवर्सिटीज़ जो है हायर एजुकेशन्स हम लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए, रिसर्च को एंटरटेन करना चाहिए, जो मेडिकल स्टूडेंट्स है अच्छा डॉक्टर्स बन के बाहर आना चाहिए, ये सब हम लोग प्रोवाइड करते बोल के, नया एक एडिशन्स लाते बोल के 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इट इज़ अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी लॉन्च करें। तो इसके लिए ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जितना अभी बिगड़ते जा रहे हैं, देख रहे हैं हम यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स, जो भी लेक्चर्स के स्टाफ्स की प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लेक्चरर्स अभी गेस्ट लेक्चरर्स बन के आए हैं। अभी हम स्कूल्स का भी देखें तो सीन्स 5 ईयर्स गेस्ट टीचर्स बोल के अपॉइंट कर रहे हैं, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डीएड बीएड ख़त्म करके एजुकेशन लेके बैठे हैं, उन लोगों को न्यू अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे। तो इसके खिलाफ ये जो एनईपी लाया गया है ये प्रो नहीं है, राइदर इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द अभी जो बिगड़े हुए एजुकेशन सिस्टम को, और बिगड़ते हुए हम लोग देख सकते हैं। नया एक पैटर्न लेकर आए ये लोग 5+3+4 बोल के, इसका कहना है कि बच्चे 5th स्टैंडर्ड तक करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई टेक्स्ट बुक्स लेके इन लोगों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे रहेंगे, इसलिए बोल के न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा ड्राफ्ट लेकर आए। और ये लोग कहते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन्स को हम लोग एंटरटेन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग काम करते हायर एजुकेशन्स नहीं ले पाते, इसके लिए आप लोग घर में बैठ के ही डिग्री पास कर लो। इसके क्या होता है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है कॉलेज में आके लेक्चर्स से पढ़ते हैं, उन लोगों को एक भारी पड़ सकता है। एंड नेवर डिस्टेंस एजुकेशन इज़ इक्वल टू द रेगुलर एजुकेशन, इस चीज़ को हम लोग अपोज कर रहे हैं। और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग महान व्यक्तियों के बारे में टीच कर सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल के, हम लोग पूछते हैं जो रिनांजा मूवमेंट में ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, अभी हम एजुकेशन्स ले रहे, लेडीज सब एजुकेशन्स ले रहे, वुमेन्स सब एजुकेशन ले रहे, सावित्री बाई फुले की वजह से ले रहे, तो क्या आप लोग उन लोगों की कुछ चर्चा एक पेज तक भी जिक्र करे है उसमें? नहीं करे। जो फ्रीडम फाइटर्स है भगत सिंह, नेताजी, अशरफुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, क्या उन लोगों के बारे में आप जिक्र करें? नहीं करे। तो कौन सी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, कौन सी नेताओं के बारे में आप सिलेबस में दिए? ये सब एंटी स्टूडेंट्स पॉलिसीज़ आप लोग लेकर आ रहे हैं, अभी बिगड़ते हुए एजुकेशन को और थोड़ा बिगड़ते हुआ पॉलिसीज़ आप लोग लेकर आ रहे हैं। हम लोग सरासर इस पॉलिसी को हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ अ एंटी स्टूडेंट्स पॉलिसी, इट इज़ अ कमोडिटी, स्टूडेंट्स आप
आप लोगों को एक बिजनेस की तरह दिख रहा है, स्टूडेंट्स आप लोग एक रॉन्ग मटेरियल की जैसा देख रहे हैं। देखना बंद करिए, स्टूडेंट्स लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल, क्रिएट इट एज अ फ्लावर। तो हम लोग इस मैसेज से हम लोग ये कर रहे हैं, एंटायर ऑल इंडिया आज हम लोग एनईपी को विरोध कर रहे हैं, एनईपी की कॉपीज को हम लोग जला के इसका विरोध करना सोच रहे हैं। वी अपोज एनईपी 2020, वी अपोज एंटी स्टूडेंट्स पॉलिसी, वी अपोज एंटी स्टूडेंट्स एक्ट। ये सरासर स्टूडेंट्स के खिलाफ लिया गया स्टेप है, इसे छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो स्टूडेंट्स का लोन ले चुके हैं, स्टूडेंट्स गरीब स्टूडेंट्स है, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर एजुकेशन के लिए लोन लिए हैं, ये टोटल गवर्नमेंट इसके लोन को माफ़ किया जाए बोल के हम सरकार को दबाव डाल रहे हैं। ये मूवमेंट के जरिए 7 अगस्त हम टोटल एंटायर स्टेट में हर स्टूडेंट्स जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के हैं, सभी स्टूडेंट्स आप रोड पे उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ ऑनलाइन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, सीएम और वीसी को हम मेमोरेंडम भी भेज रहे हैं थ्रू ऑनलाइन मेल के जरिए हम मेमोरेंडम भेज रहे हैं। हमें ये एक रिक्वेस्ट है और एक मांग भी है, इमिडिएटली जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है ये हल होना